हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज कौशिक और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ एक इन्फॉर्मेशन जो अभी कैनेडियन हाई कमीशन की तरफ से हम लोगों को रिसीव हुई है। इस इन्फॉर्मेशन के अंदर उन्होंने एक अपडेट दिया है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एप्लीकेशन सितंबर 2021 इंटेक के लिए जो लोग अप्लाई करने जा रहे थे वीज़ा। नॉर्मली जब कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा आप अप्लाई करते थे तो उस टाइम पर इन्होंने हर इनटेक के लिए एक लास्ट डेट प्रोवाइड कराई थी कि आप इस दिन तक अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते। जैसे अगर कोई स्टूडेंट अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहता है सितंबर इनटेक के लिए तो उसके लिए लास्ट डेट होती थी 1st of August, लेकिन अब जो ये नई ईमेल आई है, इस ईमेल को मैं थोड़ा सा सेक्शन आपके लिए मैं रीड कर देता हूँ, रादर उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अपडेट ये चीज़ कर दी है। इसमें इन्होंने बोला है कि सबमिट योर कंप्लीट स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर फॉल 2021 मीन्स सितंबर इनटेक के लिए अगर जो लोग अप्लाई करेंगे। If we receive your complete study permit application by May 15, 2021, you'll get a decision by 06 August 2021. Means September intake के लिए जो last date की ये बात इसमें कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि आप 15th of May तक अपनी application High Commission के अंदर visa के लिए जमा कराएं, तभी आपका decision हम लोग 6 August के आसपास तक के लिए दे पाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि इन केस अगर आपकी सितंबर इनटेक के लिए जो एप्लीकेशन आपने वीज़ा की लगानी है वो 15th of May तक कंप्लीट उनके पास में नहीं पहुंचती है तो उसके चांसेस हैं कि शायद उसका डिसीजन ये इन टाइम आपको ना दे पाएँ और आप अपने सितंबर इनटेक की क्लासेस शायद अटेंड ना कर पाएँ। तो इस करके इस पूरी जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास में पहुँची इमिग्रेशन की तरफ से, इसको अगर सम अप करें हम लोग और इसमें किसके लिए क्या है इसको अगर जानें, तो जिन जिन स्टूडेंट्स की ऑफ़र लेटर आई हुई है काइंडली वो अपनी जो कॉलेज की ट्यूशन फीस है और जो GIC है और जो मेडिकल उन्हें कराना है वो एज सुन एज पॉसिबल इसको करा ले प्लीज़, क्योंकि आपके पास फीस अगर आप कराओगे, GIC की पेमेंट आप कराओगे, नाना करते करते 6 से 7 दिन लग जाते हैं फीस रिसिप्ट में और GIC की रिसिप्ट आने में। अब जब से ये इन्फॉर्मेशन आई है बट अब वैसे इसने थोड़ा सा पैनिक स्टूडेंट्स के बीच में ज़रूर क्रिएट किया है, तो ऐसा ना हो कि जो अभी 6-7 दिन की मैं बात कर रहा हूँ वो 7 से 8 या 9-10 दिन हो जाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जिस का ऑफ़र आ चुका है वो अपनी फ़ीस एज सुन एज पॉसिबल पे करे। जिन स्टूडेंट्स के ऑफ़र लेटर अप्लाइड हैं, एक्सपेक्टेड हैं और आने वाले अगर 4-5 दिन में ऑफ़र लेटर आ जाते हैं तो वो भी अपनी फीसेस को पे करें, JCs को पे करें और अपना मेडिकल साथ के साथ करा लें। कोई पेमेंट की कोई इश्यूज़ है या आपको लग रहा है कि आप ये टाइमलाइन नहीं पकड़ पाएंगे तो प्लीज़ आपका जो भी स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट आपने जिसको भी हायर किया है काइंडली आप उसके साथ एक बार प्लीज़ बात करें। इन केस आपने डायरेक्ट एप्लीकेशन कॉलेज में डाली है तो उस केस के अंदर भी आप इंस्टीट्यूशन को लिखें। इस तरह की इमिग्रेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग अपने चैनल के ऊपर टाइम द टाइम डालते रहते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ में वो जो बेल बटन है उसको प्लीज़ आप क्लिक करें सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी कोई हमारा वीडियो डले उसकी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन साथ के साथ आपके पहुँचे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।